जब आपके पास टाइम ना हो और पनीर की सब्ज़ी बनानी हो वो भी एकदम टेस्टी सी, और टाइम भी ना हो, तो आप पनीर की सब्ज़ी को इस तरह से बनाइएगा। ये रेसिपी, ये पनीर की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनेगी। तो पहले कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद पनीर को फट से ना फ्राई कर लेंगे। पनीर को डालने के बाद सुरन से मत चलाइएगा, नहीं तो पनीर सारी ख़राब हो जाती है। पनीर बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो इन्हें कुछ देर के बाद ही इन्हें पलट दीजिएगा। पनीर जब हल्का हल्का जब ब्राउन होने लगे तो फिर इन्हें निकाल लीजिएगा। तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो फिर हम मसाले लेने के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 कटे हुए प्याज और 1 कटे हुए टमाटर और 1 लहसुन छिले हुए और गरम मसाला, जीरा, मिर्च, इलायची और 1 तेज़पत्ता, और इन्हें पीस लेंगे। और फिर तेल गरम करेंगे और इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद लाल मिर्च डालेंगे और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और हरी मिर्च, 1 सूखा मिर्च और 1 कटे हुए प्याज। आपको गैस बंद करके ये चीज़ करना है और फिर गैस को चालू कर देना है। और फिर उसके बाद मसाले डाल देंगे जो पीसे थे और फिर इन्हें बंद कर देंगे सिर्फ आधा मिनट के लिए। और आधा मिनट के बाद इसमें से वापस से पानी डालेंगे जिसमें मसाला पीसे थे, और डालने के बाद इन्हें ढककर लो फ्लेम पर इन्हें भूनने देंगे 10 मिनट के लिए। नमक आप डाल दीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। और ये पनीर का मसाला, आपको पनीर का मसाला मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पनीर का मसाला डालने से काफ़ी टेस्ट अच्छा आने लगती है। तो आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुज रहा है, तेल और मसाले बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं। जब मसाले तेल से अलग होने लगे तो समझ लीजिए कि मसाला बिल्कुल रेडी है। तो इन्हें 2-3 मिनट के लिए और हम भूज लेंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बने। मसाला जितने ही भूजते उतने ही अच्छी बनती है। और फिर उसके बाद इसमें पनीर डालकर और आपको जितना ग्रेवी गाढ़ी पतली पसंद हो उतना पानी डालकर इन्हें बस उबाल देंगे। तो बस ये जल्दी से बनकर पनीर की सब्ज़ी तैयार है। तो आप देख से ही सकते हैं कि ये कितना ही दिखने में ही अच्छी है, तो टेस्टी भी बना होगा। तो आप ज़रूर इस तरह से जब आपके पास टाइम ना हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा।